हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू बीएल ड्रामा लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और इसमें जो है दो मेन कैरेक्टर हैं। पहले का नाम ले होता है और दूसरे का नाम प्योन होता है। एपिसोड की शुरुआत में ले को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो इंटरव्यू लेने वालों में से एक व्यक्ति बोलता है कि वैसे बताओ कि तुम्हारे मुताबिक एक कलरिस्ट क्या होता है। तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से एक कलरिस्ट वो है जो ना सिर्फ फिल्मों के सीन के कलर को डिजाइन करे बल्कि उसमें जान डाल दे। तो वो कहता है यानी कि तुम लोगों को कलर के हिसाब से जज करते हो, तो हमें देखकर तुम्हें क्या लगता है। तो फिर वो सबको जज करते हुए सबके बारे में बताता है, जिसमें वो पहले के बारे में बताता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि मानो आप एक जिंदा दिल इंसान है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है। तो आप मुझे जो है एक रोटन गैरेट ऑरेंज की याद दिलाते हैं और आप जो है मुझे बहुत ज्यादा शांत और सहनशील लग रहे हैं और आपको देखकर मुझे मसालेदार हरी भरी ककड़ी की याद आ रही है। और रही बात आपकी, तो आप मुझे बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी घोड़े ने खाद दे दी हो। आप समझे नहीं, घोड़े की शीट, हाँ हाँ वही। फिर वो कहता है कि अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर वो थोड़ी देर बाद जो है अपने दोस्तों के साथ खाते हुए नज़र आता है और कहता है कि मुझे वो सब जो है नहीं बोलना चाहिए था, लगता है ये जॉब भी मेरे हाथों से चली जाएगी। तभी उसके दोस्त जिसका नाम जियो होता है वो कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर उसका दोस्त जिसका नाम जोई होता है वो कहता है कि हाँ सही कह रही है जियो, तुम बेखानती की ही चिंता किए जा रहे हो, मुझे ही देख लो, मैं काम कर करके परेशान हूँ और तुम काम ढूँढ ढूँढ के। तभी जो उससे कहती है कि क्या तुमने मेरा गिफ्ट बना दिया है जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था। तो ले कहता है कि हाँ हाँ मैं आज रात को ही उसे कंप्लीट कर दूंगा। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ ले और उसके दोस्त जो है एयरपोर्ट पे आए होते हैं। तो ले कहता है कि क्या हमें ये सच में करना होगा। तो वो कहती है कि और क्या, आज मेरा हीरो प्योन यहाँ पे आने वाला है, तो तुम चुपचाप से मेरे साथ उसका जो है यहीं पे वेट करो। और हाँ, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट बोला था बनाने के लिए वो तो लेके आए हो ना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ लेके ही आया हूँ मैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो गलत गेट पे खड़े हुए हैं और प्योन जो है वो किसी और गेट से आ रहा है। तभी इधर जो है प्योन को दिखाया जाता है जो एक फेमस एक्टर होता है। फिर सभी जो है उससे मिलने के लिए भागने लगते हैं। तभी ले जियो से कहता है कि तुम जाओ, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। तो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना क्योंकि मेरा गिफ्ट तुम्हारे पास ही है, अगर मैं उसे मिलूँगी तो क्या दूँगी मैं उसे। फिर वो वॉशरूम में आया होता है, तभी उसे जो है वहाँ पे प्योन दिखता है। तो उसे देखकर वो कहता है कि वैसे आप प्योन है ना, मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो आपको एक गिफ्ट देना चाहती थी, तो क्या आप ले सकते हैं। वैसे किसी आर्टिस्ट को डायरेक्टली गिफ्ट देना क्या कोई गुनाह है क्या। तो प्योन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या तुमने अपना हाथ धोया है क्या। तो वह कहता ओह वो तो मैं भूल ही गया, ठीक है मैं वैसे आपको जो है बाद में धोकर दे दूंगा। तो फिर वो कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कैप जो है पहन लेता है और कहता है क्या ये सीधा है। तो ले कहता है नहीं रुकिए जरा मैं इसे ठीक करता हूँ। इसी बीच वो दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो प्योन कहता है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड ने बनाया है, वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, जिसने भी इसे बनाया होगा वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो है अचानक ले कहता है कि वैसे ये मैंने ही बनाया है। तो फिर जो है प्योन उसे शुक्रिया बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तो फिर ले कहता है यार मैं फिर से हाथ धोना भूल गया। फिर वो हाथ धोता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्यो ले से कहती है कि क्या तुम प्योन से मिले थे, वो भी इतने करीब से, तो बताओ ना क्या वो हॉट था। तो कहता है कि हाँ था तो, लेकिन मैं कोई उसका फ़ैन नहीं हूँ, तो मुझे उसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपनी इंटरव्यू की टेंशन है, पता नहीं मैं पास हो भी पाऊँगा या नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम फिर से चिंता करने लग गए। वैसे जोई को जो है एक मूवी के लिए एक्स्ट्रा करेक्टर की ज़रूरत है, तो मैंने कह दिया है कि उसे कि तुम फ्री हो। तो कहता है कि क्या पहले तुम्हें जो है मुझसे पूछना चाहिए था। तो फिर वो कहता है कि वैसे रोल किस चीज़ का करना है। फिर यहाँ सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक लाश की तरह लेटा होता है, यानी उसे एक कॉर्पस बॉडी का रोल प्ले करना था। तभी उसका फ्रेंड जो है जोई कहता है कि वहाँ से जो है हीरो आएगा और तुम्हें यहाँ जो है सिर्फ एक कॉर्पस बॉडी की तरह लेट रहना है। तभी वहाँ पे जो है पियोन आता है जो उस ड्रामे का हीरो होता है। तो ये देखकर ले कहता है हे भगवान ये तो हमारी क्यो का स्वीट हार्ट पियोन है ना। तो अभी जोई कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तभी तो जो है उसने तुम्हें यह भेजा है ताकि तुम इसकी बहुत सारी फ़ोटो लेकर उसे भेज सको।
फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ प्योन आकर उसे उठाने लगता है। तभी ले को हंसी आ जाती है, तो ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि आखिर ये कॉर्पस क्यों हंस रहा है। तो फिर वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये मेरे बिल्कुल करीब आकर जो है गहरी गहरी सांस ले रहा था, तो इससे भी जो है मुझे हंसी आने लग गई। तभी प्योन जो है उसे अचानक से लिटा देता है और उसके बिल्कुल पास आकर कहता है कि मैं इतने ही पास आकर जो है बोलूँगा, तो तुम जो है अपने आप को रेडी रखना और हाँ अपनी आँखें बंद करो। फिर वो उसकी आंखों पर जो है कुछ लगा होता है तो वो उसे हटा देता है। फिर उससे शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसी बीच जो है ले का कॉल आता है तो वो उसे उठाता है। उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो गया है और उससे जॉब मिल गई है। ये सुनकर वो खुशी के मारे उछलने लगता है, लेकिन सब उससे घूरे ही जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी दोस्त जो है बीच पे आए होते हैं, लेकिन ले जो होता है वो अभी भी अपने काम में ही लगा होता है। ये देखकर उसके दोस्त जो है उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। फिर साथ में वो पानी में नहा रहे होते हैं तो गेल से कहती है कि ध्यान से कहीं डूब मत जाना तुम। फिर सभी जो है अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी ले का पैर जो है नीचे जाने लगता है और वो डूब जाता है। फिर वो जैसे ही उठता है अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पे एक आदमी और एक औरत वहाँ पे आते हैं। तो वो आदमी उससे कहता है कि टैस आखिर तुम कब सुधरोगे, तुम पहले जो है किसी का कार का एक्सीडेंट कर बैठे थे, अब जो है बार में किसी के साथ लड़ पड़े और यहाँ पे हॉस्पिटल में आके भर्ती हो। तो ले कहता है कि रुकिए ज़रा, आप कौन हैं और आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो वो कहता है कि बनमाश कहीं के अब तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने मॉम डैड को भी नहीं पहचान रहे हो। तो फिर वो औरत जो अपने आप को जो है ले की मॉम बता रही थी वो उसके पास आती है और कहती है कि मेरे बेटे अब इससे काम नहीं चलेगा, रोना जल्दी से स्टार्ट कर दे। फिर वो रोने लगता है तो वो उसके डैड को जो है वहाँ से ले जाती है। फिर जो है उनके जाने के बाद ले जो है परेशान होने लगता है और वॉशरूम में आ जाता है और शीशे में जब अपना चेहरा देखता है तो वो किसी और की बॉडी में होता है जिसका नाम टैस होता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे पकड़कर